सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का इस नए यूट्यूब वीडियो में। मेरा नाम मानव कोठारी है एंड मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। सो बैक टू बैक दूसरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एंड अभी रिसेंटली मैं अपना जो लास्ट वीडियो है वो एडिट कर रहा था। एंड या मैं अपने वीडियोस को अभी से लैपटॉप पे एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप पे मेरे को एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिला है फ्री में, जिससे मैं एडिट कर सकता हूँ एंड अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ तुम लोग के लिए। एंड एडिट करने के बाद मैंने थोड़ी सी ये बुक पढ़ी 0 to 1, जो कि मैंने तुम लोग को लास्ट वीडियो में बताई थी, बहुत पहले बताई थी। ये अभी ख़त्म होने वाली है बुक। सो अभी मैं प्री वर्कआउट मील खा रहा हूँ। प्री वर्कआउट मील में मैं सोया चंक्स एंड राइस खा रहा हूँ। इसका रेसिपी बहुत सिंपल है। इसमें मैंने अपना चाउमीन मसाला आता है चिंग्स का, वो डाला है। पेरी पेरी एंड मैगी मसाला जो भी मिला वो डाल दिया। एंड एक टिप, अगर आपको अपने खाने को रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना है तो प्लीज़ गार्लिक बटर का यूज़ करो। गार्लिक बटर जो बटर जो अमूल का आता है उसे यूज़ करो, एंड उससे आपको रेस्टोरेंट स्टाइल खाना मिलेगा। सो आज का प्लान बता देता हूँ कि आज के व्लॉग में क्या करने वाले हैं, आज के दिन में हम क्या करने वाले हैं। सो आज मैं अपने एक पुराने जिम ब्रो के साथ ट्रेन करने वाला हूँ। उसका नाम रौनक चौहान है एंड वो इस चैनल पे कभी नहीं आया है। एंड इट्स हिज फर्स्ट टाइम एंड ये मेरा पहला कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन ही बोल सकते हैं इसको। सो उसके साथ ट्रेन करने वाले हैं। ऑब्वियसली अगर मैं कोई जिम ब्रो के साथ ट्रेन करने वाला हूँ तो पुश ही ट्रेन करने वाला हूँ। एंड आजकल मेरा थोड़ा सरप्लस में खा रहा हूँ मैं 200-300 के, तो मैं आज 30 अटैम्प्ट करने वाला हूँ ऑन इंक्लाइन डंबल प्रेस। सो काउंट करना कितने रेप्स मिलते हैं। एंड रौनक को मैं 1.5-2 साल बाद मिल रहा हूँ। एंड वो दिल्ली गया था थोड़ा कुछ पढ़ाई करने के लिए, उसका मेरे को आइडिया नहीं है। सो वो पढ़ने गया था। सो उसके बाद मैं 2 साल बाद उसको मिल रहा हूँ। एंड ही इज़ अ स्कूल फ्रेंड, जो बहुत पुराना दोस्त है मेरा। एंड आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक और चीज़ करने वाला हूँ। मैं अपना सप्लीमेंट्स टैग, जो मेरा जो भी सप्लीमेंट्स मैं यूज़ करता हूँ अपने फिजिक को मेंटेन करने के लिए और गेन करने के लिए, वो बताने वाला हूँ। सो ये मसल ब्लेस के 2 पैकेजेस आके रखे है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, अभी खुद के पैसे से ख़रीदा है मैंने, खुद के पॉकेट मनी को बचा बचा के जितना बचाया उतना ख़रीदा है मैंने सप्लीमेंट्स। एंड वो सप्लीमेंट्स मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि कौन से सप्लीमेंट्स मैं लेता हूँ, ताकि मैं अपनी फिजिक को गेन कर सकूँ एंड मेंटेन कर सकूँ। सो जिम के बाद हम ये सप्लीमेंट्स टैग की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। एंड आज के वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक फेलो जिम ब्रो के साथ ट्रेन करने वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हिट होता है एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आप दोनों को पता होता है कि वर्कआउट अच्छा ही जाने वाला है, कोई ऐसा रहता नहीं है कि गंदा जाएगा वर्कआउट, 10/10 वर्कआउट जाएगा। एंड अभी उसको मिलने जाऊंगा मैं, अभी 1:10 हो रहा है एंड 3 बजे में हम लोग ने मिलने का प्लान बनाया है। 3:30 तक मिलेंगे एज़ यूजुअल, थोड़ा बहुत लेट होता है। सो उसको मिलते टाइम मैं तुम लोग को वापस मिलता हूँ। एंड अभी ये प्री वर्कआउट मील खा के फटाक से जिम के लिए निकलूँगा मैं। एंड मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं व्लॉग चालू करता हूँ तो फर्स्ट क्लिप बहुत ज़्यादा लंबी होती है मेरी, एंड मैं ट्राई करूँगा कि आज का व्लॉग थोड़ा छोटा रखूँ, ताकि ट्रेनिंग फुटेज जो भी रहेगा तुम लोग को देखने में मज़ा आए, क्योंकि एक जिम ब्रो के साथ ट्रेन करने का फुटेज बहुत अच्छा आता है, यूजुअली लोग को यही पसंद होता है। सो आज के वीडियो के लिए यही करेंगे हम। एंड स्टे ट्यून्ड। मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई है, बहुत सारी मतलब मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें मंगाई है मैंने मसल ब्लेस से। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं आपको सीधा रौनक को मिलते टाइम। सो आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं एक हफ्ते से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग ट्रेनिंग सेशन अपना करेंगे, पुश ट्रेन करेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो थोड़ा स्किप हो गया। एक पुश सेशन करने वाले थे हम, ये बहुत पहले होने वाला था जो भी ट्रेनिंग सेशन आज होने वाला है, बट थोड़ा काम आ गया रौनक को एंड ही हैड सम वर्क, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। सो आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैंने ये ट्रेनिंग सेशन के लिए स्पेशली स्ट्रिंगर ख़रीदा है। एंड ये स्ट्रिंगर है, ये साकेत गोखले जो पहनता है ओजी वाला, वो मुझे मिल गया है। एंड वो फाइनली मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि कौन सा मॉडल पहनता है वो, क्योंकि उसमें फिजिक बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। सो ये वाला स्ट्रिंगर है जॉकी जोन US 26 West। एंड दिस इज़ द स्ट्रिंगर जो हर कोई जिम वाला बंदा पहनता है, जो भी जिम अपना क्या बोलते हैं फिटनेस यूट्यूबर्स के लाइन में आते सारे यही पहनते हैं। यशानंद को भी मैं मिला था, सो ही वॉज़ वेयरिंग दिस स्ट्रिंगर। मैं पूछने वाला था बट ही वॉज़ टू बिजी, तो मैंने ज़्यादा कुछ बात नहीं किया। सो इसे ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैंने एक स्ट्रिंगर ख़रीद के रखा है एक हफ्ते से पहले। एंड
आज का ट्रेनिंग सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत ज़्यादा कार्ब्स लोड कर रहा हूँ ताकि अपना क्या बोलते हैं फुटेज अच्छा है, फिजिक मेरी फुलर दिखे। एंड मैं तुम लोग को जिम जाने से पहले मिलता हूँ एंड अपना एक टिप दूंगा जिससे तुम लोग का पंप बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है अगर तुम लोग ये टिप को फॉलो करोगे तो जिम में। सो बाय, दिस इज़ द आउटफिट ऑफ द जिम। आज के लिए मैं ये पहन रहा हूँ एंड ये स्ट्रिंगर बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड लिंक छोड़ दूंगा इसका नीचे। एंड अभी जस्ट रौनक का कॉल आया कि वो 10 मिनट दूर है जिम से, फटाफट रेडी होता हूँ एंड निकलता हूँ जिम के लिए। बट उससे पहले तुम लोग को एक टिप बताने वाला था मैं जिससे तुम लोग का लास्ट करेगा अच्छे से पंप, एंड पंप बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है ये टिप को फॉलो करोगे तुम लोग। तो मैं तो अपने ब्लैक कॉफ़ी में थोड़ा सा नमक डाल के पी जाता हूँ ताकि मेरे को सोडियम मिल जाए, मेरे को टेस्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर तुम लोग को टेस्ट से फ़र्क पड़ता है तो फिर बाद में सीधा सोडियम कोई भी खाने में अच्छे से डाल देना। कोई भी पोस्ट और प्री वर्कआउट मील खा रहे हो तो उसमें अच्छे से सोडियम ले लेना। एंड अगर जल्दी से तुम लोग को चाहिए सोडियम तो सीधा ऐसे ही मुंह के अंदर डाल देना, एक चम्मच या आधा चम्मच जितना भी चाहिए तुम लोग को उतना डाल देना। तो इससे तुम लोग का पंप बहुत ज़्यादा लास्ट होने वाला है। एंड ये टिप मैंने साकेत गोखले से सीखी है, वो हर बार जब भी शूट करता है अपने वीडियोज़ वो थोड़ा सा नमक खा के या जो भी चीज़ में पी के जाता है वो, ताकि उसको अच्छा पंप आए एंड अच्छा फुटेज आए। तो ये टिप फॉलो करना। अभी फटाफट जिम के लिए निकलता हूँ, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। अभी सीधा रौनक से मिलूँगा तभी कैमरा उठाऊँगा। ठीक है, चलो बाय। रौनक आ गया। तू कितना लंबा हो गया भाई? तू भाई लुकिंग लीन यार, क्रेजी। तू भी कितना लंबा हो गया भाई? ओके भाई, चलो अभी जिम जाते हैं ऊपर, फिर देखते हैं इसका, उसको स्नीक इन कराना है कि पे करके। मुझे कुछ नहीं लिया इधर, है मेडिकल सामान लेना। हां, एक स्टिंगर लेते हैं ना। चल चल। You know you're my favorite white boy, right? I owe you for this one. I've been patiently waiting for a track to explode on. You be stunned if you won't, and your ass will get rolled on. It feels like my flow's been hot for so long. You thinking I'ma fucking fall off, you're so wrong. I've been listening in my head like a baby bone dead. Destination heaven. Sitting political passages from 9/11. The Lord's blessings leave me lyrically inclined. Shit, I ain't even got to try to shine. Guards and seamstress, the tailor fitted my pain. I got scriptures in my brain, I can spit at your dame. Straight out the good book, look, niggas is shook. 50 fear, no man, warrior. Swing swords like Conan. Picture me, pen and hand, write lines, knowing the source of poetry. When I die, they'll read this and say a genius wrote it. I grew up without my pops, and that make me bigger. I quote cases I copped out, does that make me a quitter? In this right man's world, I'm sending up to a squirrel. Looking for a slut with a nice butt to get a nut. If I get shot today, my phone will stop ringing again. These industry niggas ain't friends, they know how to pretend. You should be waiting for a track to explode on. You be stunned if you want, and your ass will get rolled on. It feels like my flow's been hot for so long. You thinking I'ma fucking fall off, you're so wrong. You should be waiting for a track to explode on. None of you own in your ass and your own arms. It feels like my flow's been hot for so long. You been thinking I'm a fucking fall off, it's so wrong. You've been patiently waiting to make it through all the hate and debating whether or not it's been even weather the storm. As you lay on the table, they operating to save you. It's like an angel came to you, sent from the heavens above. They think they're crazy, but they ain't crazy. Let's face it, shit, basically they just playing sick dance. Shit, they ain't saying shit's brand 50. A to the K, get in the way, I bring drain. And with me and turn this day into fucking man. You staying with me? Don't let me lose you, I'm not trying to confuse you. When I let loose with this Uzi and just shoot through your Isuzu, you get
the message am I getting through to you? You know what's coming, you motherfuckers don't even know, do you? Take some big and some pop, and you mix them up in a pot. Sprinkle a little bit yellow top, what the fuck do you got? You got the realest and illest killers tied up in a knot. The juggernauts of this rap shit, like it or not. It's like a fight to the top just to see who died for the spot. You put your life in this, nothing like surviving a shot. Y'all know what time it is, as soon as 50 signs on his dollars. You put your know about death threat, cause I ain't gonna lie. Shady Records is 80 seconds away from the towers. Some cowards fought with the first building, they meant to hit ours. Better evacuate all children, nuclear showers. It's nothing spookier, you're now about to witness the power of fucking 50. Stones if you live in a glass house. And if you got a glass jaw, you should watch your mouth, cause I'll break your face. Have your ass running, mumbling to the J. You're going against me, dog. You making a mistake. I split your leg, looking like the Michael Jackson jackets with all them zippers. I'm the boss on this boat. You can call me Skipper. The way I turn the money over, you should call me Flipper. Yo, bitch, a regular bitch. You calling no wifey. I fucked and feed a fast food. You keeping her icy. I'm down to sell records, but not my soul. Snoop said this in 94. We don't love them hoes. I got pennies for my car. So the workout is over, and how was the workout? 10 on 10. Matlab, each and every fiber mere ko feel ho raha hai ki abhi se so raha hai. Hai na? Mere hisab se bhi 10 on 10 workout tha. And सो रौनक इज़ अ हार्ड गेनर एंड मैं एक मेसोमॉर्फ हूँ. सो हार्ड गेनर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं वेट गेन करने में, एंड रौनक ने अपना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है. उसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे डाल दूंगा. एंड रौनक कुछ तीन टिप्स बताइए ताकि लोग हार्ड गेनर के हिसाब से वेट गेन कर सकें. आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है, बट स्टिल वी आर लाइक क्लियरली बेटर देन बिफोर. एंड सो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा स्टार्ट ट्रैकिंग योर कैलोरीज. Like it's obviously the most important step to take. So initially you'll feel like कि मैं क्या कर रहा हूँ ये सब, मतलब जो खा रहा हूँ उसको वज़न करना पड़ रहा है. You might have to buy a weighing scale. And फिर वो ऐप डाउनलोड करो. बहुत बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं, बट ट्रस्ट मी लाइक इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. एंड मे को हेल्प किया क्योंकि आई वॉज स्टैगनेंट. ठीक है, मैं सिक्स आई रिमेम्बर मैं 59 पे आई वॉज लाइक वेट बढ़ ही नहीं रहा. मैंने एंडोरा मास्क खरीदा. मैंने पता नहीं कितने सारे मास्क गेनर्स तक खरीदे. बट यू शुड हैव द करेक्ट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन कि हाउ बिग ऑफ अ रोल इट हैज़ टू बिल्ड अ गुड फिजिक. जो न्यूट्रिशन की नॉलेज दे देगा इन फ्यूचर आई होप. सो इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज ट्रेनिंग. ट्रेनिंग इज जस्ट 30%. एंड जो एक्चुअल फिजिक बिल्ड होती है दैट इज़ इन द किचन. ठीक है, दैट इज द 70% दैट यू ईट. यू ईट आफ्टर वर्किंग आउट. वो जो स्ट्रगल होता है पुशिंग फूड एवरी डे एंड ट्रैकिंग योर कैलरीज एवरी डे, वेइंग देम एंड प्रॉपर बाइफोकेशन ऑफ फैट्स प्रोटीन कार्ब्स, सो दैट प्लेज अ बिग रोल इन माई ओपिनियन. और मैं बोलूँगा कि यू फील लाइक कि अगर तुम नहीं खा पा रहे हो, आई वुड से धीरे धीरे स्टार्ट करो. ठीक है, और फोर्स फीड करो यार. फोर्स फीडिंग इज़ लाइक रियली इम्पॉर्टेंट. मैं अगर इन माई केस मैं बताऊँ तो मुझे खुद अपने कुछ मील्स होते थे, आई लिटरली यूज टू मेरे जो लास्ट बाइट होते थे ना, मैं वो बेसिन वो वॉश बेसिन के पास खाता था. जस्ट मतलब अगर मैं प्यूक कर दूँ तो वहीं करूँ, बट ऐसा कभी हुआ नहीं. जस्ट कीप योर माइंड स्ट्रॉन्ग. फूड तो पुश करना ही पड़ेगा, दैट्स द ओनली वे यू कैन गेन वेट. सॉरी, और हर दो घंटे में खाते रहो. इजी खाना ज़्यादा इफ अगर देखो देयर टाइप्स ऑफ पीपल. ठीक है, जो एक होता है जो एक साथ इतना नहीं खा पाते, तो अपने सब डिवाइड कर दो ना अपने मील्स को. ईट इन एवरी 1 आवर या 2 आवर. ठीक है, या तो अगर आपको फील होता है कि यू आर बिजी पर्सन, सो आई वुड या तो टिफिन बना लो, या तो ईट 2 या 3 ह्यूज मील्स लाइक 800 to 900 कैलोरीज के यूज मील, और शेक बना के पियो सबसे. हाँ, थर्ड टिप मैं एक्चुअली वही देने वाला था, कंज्यूम लिक्विड कैलोरीज. लाइक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट एंड वो सुपर इजी हो जाता है. पता है, मतलब कि तुम एक मैंगो खाओ, ठीक है, और दूध पियो,
ठीक है, एंड या तो तुम उसको ब्लेंड करो और एक साथ पियो, मेक्स अ डिफरेंस राइट, क्योंकि वो इतना च्यू करते हैं तो वो मेंटली इट फील्स लाइक कि तुम बहुत खा रहे हो, हार्ड पड़ेगा बस उस, बट उसको एग्जैक्टली के हिसाब से बना के मैं टिल डेट ओट्स को मैं ब्लेंड करके पीता हूँ। सो यूट्यूब पे देख लो मास गेनर शेक्स कैसे बनाते हैं विदाउट वे प्रोटीन इफ यू हैव अ बजट प्रॉब्लम। सो होपफुली फ्यूचर वीडियोज में रेसिपी भी दे देगा। और एक और टिप, अगर आपको हार्ड गेनर के हिसाब से वेट गेन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़्यादा हाई कैलोरी फूड सोर्सेज का हेल्प लेके खाना खाओ, जैसे कि पीनट बटर एक अच्छा ऑप्शन है, जैसे पीनट बटर बहुत कम क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, उसके so, एक टेबल स्पून में अराउंड 100 कैलोरीज होता है। हाँ, तो उसको शेक में ऐड करके हनी पियो, हनी और बहुत सारे जो भी जो मिले डाल के पी लो, कैलोरीज के हिसाब से ऐसे ही करो। एंड बहुत लोग तेल भी डालते हैं, मैं तेल रिकमेंड नहीं करूँगा, तेल आई वुड रिकमेंड हनी, इट्स बेटर, मतलब वो टेस्ट में भी ऐड ऑन करता है। बनानास, हनी, एग, एग्स पूरे खाओ, वाइट्स वाला सीन मत करो, होल एग्स खाओ, एंड ब्राउन ब्रेड, टोस्टेड ब्राउन ब्रेड, ये सब बहुत इजीली कंज्यूम होता है, बट वो कैलोरी का जो डेंसिटी है ना इट्स कंपैरेटिवली हाई। और अगर आपको फ्यूचर में कोई ये शेक की रेसिपी चाहिए तो मुझे बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा अलग से, कोई एक बंदा भी अगर कमेंट करेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा एंड पर्सनल रेसिपी शेयर कर दूंगा। हाँ, इसके साथ इसका जो रेसिपी रहेगा ये मुझे भेज देगा एंड मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। एंड बस यही टिप्स थे। और भी है, मैं बोलूँगा कि डोंट बी ऑब्सेस्ड विद बॉडी फैट इनिशियली, क्योंकि मैं बल्क कर रहा हूँ, आई एम बल्किंग, इट्स बिन लाइक 2 ईयर्स ऑलमोस्ट, फ्यू मंथ्स मेरे को 2 साल हो जाएंगे, एंड मेरे को है लीन रहने का ऑब्सेशन, ठीक है, ऑनेस्टली सबको रहता है, सबको एब्स चाहिए, बट ट्रस्ट मी पेशेंस प्लेज अ ह्यूज रोल जब तुमको एक एकदम अच्छी फिजिक बिल्ड करनी है। देर आर टाइम्स वेयर आई फील लाइक मेरे एब्स फेड हो रहे हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, थोड़ा बॉडी फैट पुट ऑन होता है बट उसको फेस फैट भी मेरे को भी हो रहा है, ठीक है, वो प्रॉपरली तुम हमेशा एकदम जॉलाइन नहीं रहेगा, बट You have to have some patience. एक साल, 2 साल मे बी, बट उसके बाद जो कट होगा ना, पीपल won't recognize you. Literally, I am telling you, ठीक है, मेरे फर्स्ट कट पे मेरे को लोग देख के उन लोग की पड़ जा रही थी कि क्या है, बस वही है, बस मेंटली स्ट्रांग रहो एंड स्टे कंसिस्टेंट, और खाते रहो भाई, दो दो घंटे में खाते रहो, सिंपल टिप्स है, उसके ऊपर मैंने हार्ड गेनर्स के लिए वीडियो भी बनाई है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एंड रौनक को फॉलो कर लो, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत क्रेजी थी, एंड फ्यूचर में मैं इसको बोल रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल खोल, हम दोनों साथ में वीडियोस बनाएंगे एंड होपफुली यूट्यूब चैनल खोलेगा। सो अभी फाइनली अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, तुम लोग ने रौनक के साथ जो मैंने टिप शेयर की उसको सुन लिया रहेगा, एंड सुबह से जो मैं जिस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ अपने सप्लीमेंट्स टैग के, मंथली सप्लीमेंट्स टैग के बारे में, उसके बारे में अभी फाइनली बात करते हैं। एंड ये दो पैकेजेस मैंने मंगाए हैं फ्रॉम मसल ब्लेस, एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है सबसे पहले बता दूँ, एंड मैंने अपने पेरेंट्स को फोर्स नहीं किया है कि मेरे को सप्लीमेंट्स चाहिए, एंड उनसे कुछ फोर्स करके मैंने पैसे नहीं मांगे, ये सारी मेरी पॉकेट मनी जो भी मैंने मुझे मंथली खर्चे के लिए मिलती है उसको सेव करके मैंने मंगाया है। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड कि सप्लीमेंट्स पर रिलाई मत करो, एंड अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बच रहे तो ही सप्लीमेंट्स को ख़रीदो ताकि आपकी फ़िज़िक और अच्छे लेवल पर जा सके। दिस इज़ ओनली 5% ऑफ द प्रोसीजर, पूरा जो प्रोसीजर है मसल बिल्डिंग का उसमें सिर्फ 5% रोल प्ले करता है ये सप्लीमेंट्स। सो अभी फाइनली अनबॉक्सिंग करते हैं, एंड सबसे पहली चीज़ तो मतलब मैंने ये चीज़ मंगाई, सारे जो भी था सामान वो आया, एंड उसके बाद मेरी बहन ने एक्साइटेड होके इसको खोल ही लिया, मतलब ये पहले ही अनबॉक्स कर लिया। एंड ये है पीनट बटर, दिस इज़ मसल ब्लेस का क्रंची पीनट बटर, हाई प्रोटीन वाला पीनट बटर है, एंड ये 1 kg है, आई थिंक 1-1.5 महीना चल जाएगा ये। सो ये पहला सप्लीमेंट है, एंड दूसरा सप्लीमेंट गेस करो क्या होगा, तब तक मैं कैंची से काटता हूँ। फक, इट्स हार्ड। आई डोंट नो साकेत इतने बड़े बड़े डब्बे कैसे खोल लेता है, इसके लिए भी अलग स्ट्रेंथ लगती है, पूरे डब्बे फाड़ ही रहा हूँ मैं। तो दूसरा सप्लीमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है, अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो दूसरा सप्लीमेंट है अपना वे प्रोटीन, एंड
ये बायोजाइन परफॉर्मेंस का वे प्रोटीन है, जो कि आपने बहुत सारे एड्स सुने रहेंगे इसके बारे में। एंड ये बहुत ही मतलब अंडर बजट तो नहीं बोलूँगा, बट जितने बजट में मिल रहा है, जितने पैसे पे कर रहे हो उसके हिसाब से बहुत अच्छा बजट वे प्रोटीन है। बट जितने पैसे पे कर रहे हो उसके हिसाब से आपको जो चीज़ें इसके पीछे लिखी हुई है वो सारी मिलती है, ऐसा मैंने बहुत सुना है। बायोजाइन ये लोग का स्पेशल सीरीज़ है। एंड इसके अलावा मैं एक और सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ, तुम लोग को फटाफट दिखा देता हूँ। आई सपोज़ फटाफट इधर ही होगा। एंड तीसरा सप्लीमेंट मैं हर महीने एनी हाउ मंगाता हूँ, ये तो फिर भी अगर मेरे पास इस महीने पैसे बच गए तो मैंने मंगा लिया। बट तीसरा सप्लीमेंट है क्रिएटिन का क्रिया मसल ब्लेस का क्रिया प्रो। ये एक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का थोड़ा चीप वर्जन है, बट ये बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। अगर आपको नेचुरली नेचुरल स्टेरॉयड बोला जाता है इसे, ये नेचुरली आपके बॉडी में ATP जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट रहता है उसकी मात्रा बढ़ाता है। एंड ये आपको यूज होने में हेल्प करेगा, ये आपके स्ट्रेंथ लेवल्स को ऊपर लेके जाएगा, ये आपके मसल्स में जो वाटर रिटेंशन रहता है ना, आपके मसल्स की रिकवरी अच्छी होगी, आपके मसल्स में ज़्यादा पानी भरेगा, इट विल लुक फुलर, एंड ये सारी चीज़ें हैं। सो दिस इज़ माई मंथली स्टैक, ये पीनट बटर, बायोजाइन वे एंड एक क्रिएटिन। एंड अगेन आई एम सेइंग ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है मसल ब्लेस, अगर मुझे फ्यूचर में स्पॉन्सर करेगा तो मैं तुम लोग को बताऊंगा, बट एक अभी के लिए कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। एंड ये सारे मैंने अपने पैसे से खरीदा है सप्लीमेंट। एंड ये मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बच रहे अपने मंथली ये बजट के हिसाब से, अगर आपके पास पैसे बच रहे तो ही खरीदो ये सप्लीमेंट्स। दिस इज़ द ओनली 5% थिंग जो आपको हेल्प करेगी मसल बिल्डिंग में। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए व्यूअर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो ड्रॉप अ लाइक एंड एक दोस्त के साथ शेयर कर देना अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया। एंड आज के वीडियो में हमने अनबॉक्सिंग की हमारे मंथली स्टैक की एंड एक जिम ब्रो के साथ ट्रेन किया। रौनक अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो आई रियली इन्जॉयड वर्किंग आउट विथ यू। एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम बहुत क्लोज है 200 सब्सक्राइबर्स के, 120 सब्सक्राइबर्स पे है अभी हम एंड 200 हो जाएंगे। एंड शेयर कर देना ताकि इस वीडियो को YouTube और रेकमेंड करे लोगों को, ताकि हमारा चैनल और ग्रो होते जाए एंड हमारी कम्युनिटी और बड़ी हो।